हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मकड़ी के कुछ रोचक बात बताएंगे जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। अगर पता है तो एक बार और अच्छे से जान लीजिए मकड़ी जाल कैसे बनाती है। मकड़ी के जाले रेशम के बनी होती है जो मकड़ी के शरीर के अंदर पैदा करती है। आमतौर पर मकड़ी के पैरों में दो पंजे होते हैं, लेकिन जाले बनाने वाले मकड़िया के तीन पंजे होते हैं, जिनका उपयोग मकड़ी केवल रेशम को खींचने के लिए नहीं बल्कि जाले को धागे को पकड़ने और छोड़ने के लिए भी करती है। जब वे जाले के ऊपर चलती है तो आकर्षण प्रदान करती है। मकड़ी कितने प्रकार के रेशम बनाती है? मकड़ी दो प्रकार के रेशम बनाती है, नंबर वन चिपचिपा रेशम, नंबर टू नॉन स्टिकी सिल्क रेशम। चिपचिपा रेशम मकड़ी द्वारा शिकार को पकड़ने के लिए चिपचिपा रेशम को उपयोग किया जाता है। यह फैला हुआ गीला रेशम वेब के सैम्पलिंग धागे को बनाता है। नंबर टू नॉन स्टिकी सिल्क रेशम का उपयोग जाले को मजबूत प्रदान करने और जाले को संरचना को सपोर्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह रेशम कठोर और सूखा होता है। जाले की मजबूती न केवल बुंदे गए रेशम की मजबूती पर बल्कि जाले की डिजाइन पर निर्भर करती है। मकड़ी जाल खराब होने पर मकड़े कैसे उसे सुधारती है? मकड़े द्वारा जाल का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि जाले के किसी एक भाग में खराबी आने पर केवल वही भाग उसे प्रभावित होते हैं, पूरे जाले पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जाले में आई इस खराबी को दूर करने के लिए मकड़े उस रेशम को खाकर उसी रेशम को रिसाइकल करके फिर से अपने जाल का निर्माण करती है। मकड़े जाल क्यों बनाते हैं? मकड़े द्वारा जाल बनाने के कई उद्देश्य है, जिसमें सबसे प्रमुख है भोजन के लिए, अपने शिकार को फंसाने के लिए। मकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जाले का उपयोग करती है, अपने घर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अंडे की थैली को सुरक्षा रखने के लिए मकड़ी जाल बनाती है। मकड़ी के जाले कितने प्रकार के होते हैं? मकड़ी के जाले 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ओर्ब, नंबर 2 टेंगल वेब, नंबर 3 फनल वेब, नंबर 4 सीट वेब, नंबर 5 ट्रेंगल वेब, नंबर 6 मेस मेट, नंबर 7 स्पर्म वेब, नंबर 8 मोल्ट मैट, नंबर 9 ईग सेक्स। मकड़े के आँखें कितने होते हैं? मकड़े के आँखें 8 होते हैं। कुछ मकड़े ऐसे होते हैं जिन्हें केवल 6 आँख होते हैं और कुछ मकड़े को 6 से भी कम आँखें होती है। मकड़ी की लगभग 35,000 प्रजातियाँ है। वैज्ञानिक का अनुमान है कि दुनिया में लगभग 1,80,000 प्रजातियाँ हो सकती है। अब बची लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मकड़ी का खून नीला क्यों होता है? मकड़ी का खून नीला होता है, मनुष्य में ऑक्सीजन एक अणु से बंधी होती है जिसमें लोहा है, इसमें हमारे रक्त को हुआ लाल मिलता है, तथा मकड़ी के जिस अणु में ऑक्सीजन बंधी होती है उसमें तांबा होता है जो उनके रक्त को नीला रंग देता है। मकड़ी की सबसे बड़ी प्रजातियाँ गोलियत बॉडीटर है जो 11 इंच चौड़ी हो सकती है। मकड़ी के सबसे छोटी प्रजातियाँ पाटू मापलेर्सी है जो इतनी छोटी है कि पेंसिल के सिरे पर 10 मकड़े फिट हो सकती है। लगभग सभी मकड़ियों में जहरीली ग्रंथियाँ होती है। मकड़ियाँ अपने शिकार में विष इंजेक्ट करती है कुछ अपवादों को छोड़कर। मकड़ियाँ का जहर आमतौर पर मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिए।